फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं सिंगापुरी फ्राइड राइस। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो आपको पता है बहुत ही टेस्टी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिंगापुरी फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 3 कलर कैप्सिकम्स। मैंने बिल्कुल बारीक एक ही साइज की कट करी है। देखिए, बिल्कुल एक जैसी कट की हुई है। इसी तरह से हमें पनीर को भी कट कर लेना है। मैंने 100 ग्राम यहाँ पे पनीर कट किया है। एक कटोरी मैंने राइस लिया है, देखिए लंबा वाला राइस है। एक कटोरी प्याज एकदम अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है बारीक। और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती मैंने धो के कट किया हुआ है। एक छोटी कटोरी मैंने गार्लिक बारीक कट करी हुई है। और ये हमने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 2 लौंग और एक छोटी दालचीनी ली है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चावलों को बहुत अच्छे से धो लेंगे। दो से तीन बार हम इसके पानी को चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने 2-3 बार चावल बहुत अच्छे से धो लिए हैं, पानी इसका चेंज कर दिया है। अब हम 20 मिनट के लिए चावल को पानी में ही रहने देंगे। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से भीग गया है। आइए सबसे पहले अपन चावल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे भगोने में पानी रखा है, बॉईल होने देंगे इसको। इसमें मैंने दालचीनी डाल दी है, दोनों लौंग भी डाल दिए हैं। अगर आप कोई और चीज इसमें डालना चाहते हैं, स्टार फूल या तेज पत्ते, तो वो आप डाल सकते हैं। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच नमक भी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बॉईल होने का वेट करेंगे अभी हम इसका। देखिए फ्रेंड्स, पानी बॉईल होने लगा है और कलर भी चेंज हो गया है, येलो से इसका कलर एकदम रेड हो गया है। अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे पानी को। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। भीगे हुए चावल हमें इसमें डाल देने हैं और हिलाना नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे चावल डाल दिए हैं। अब हम इसको बॉईल होने का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चावल बहुत अच्छे से बॉईल होने लग गए हैं। हम इनको इसी तरह से बॉईल होने देंगे। हमें एकदम पकाना नहीं है चावल को। हल्का सा पकने के बाद में हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको हिला सकते हैं क्योंकि बॉईल हो गए हैं, इसलिए अब हमें इसमें चम्मच लगाने से कोई एतराज नहीं है। देखिए लुकिंग में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, जब तक चावल बॉईल होते हैं तब तक हम कैप्सिकम को और पनीर को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल फ्रेंड्स थोड़ा सा ज्यादा डाला है क्योंकि हमें पनीर और कैप्सिकम दोनों चीज फ्राई करनी है। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चावल भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने चावल प्लेट में निकाल दिए हैं। इनको हम फैला देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब
अब मैं इसमें कैप्सिकम फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स कैप्सिकम हमें 3 से 4 मिनट फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स कैप्सिकम भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे, कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कैप्सिकम और पनीर हमने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें सबसे पहले गार्लिक डाल दूंगी, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑनियन भी डाल दूंगी। फ्रेंड्स इसमें हमने कॉर्न भी डाल दिया है, आप चाहें तो इसमें बेबी कॉर्न भी बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कट करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास में गाजर है तो गाजर डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, जो सब्जियां आप पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स लहसुन प्याज और कॉर्न बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें फ्राई करे हुए कैप्सिकम और पनीर डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, हमने चावल में नमक डाला था इसलिए हम सब्जी में भी कम ही डालेंगे नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हरा धनिया पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी मैंने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स मसाले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फ्रेंड्स अब हम इसमें चावल डाल देंगे, चावल एकदम अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इनको मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स लुकिंग में ही कितने बढ़िया लग रहे हैं, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। इस चीज का ध्यान रखें कि चावल टूटे नहीं, हमें इसको मिलाते समय इस तरह से मिलाना है, बिल्कुल इस तरीके से करके। देखिए आप मैंने नीचे से ऊपर इसको पलटा दिया है, ऐसे ही हमें इसमें पलटा देना है ताकि चावल टूटे नहीं। देखिए फ्रेंड्स सिंगापुरी राइस बिल्कुल तैयार हैं, ये हमने आज फ्राइड राइस बनाए हैं, आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सिंगापुरी फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं, हमने सर्व भी कर दिया है, अब आप जब मन चाहे तब ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।